स्कूल जाना है। क्यों छूतती है? क्यों छूतती है? छूतूती है? छूतूती क्या होता है? स्कूल जाना है, छूतती है। फिर असं किथे जाने है? किथे जाना है? तो आज हम जा रहे हैं, हमारा दिल दास हुआ प्या है, रौनक चले जानी है। हाँ। क्या करें हम, अपने घर भी आपने भी जाना है ना। हाँ। क्या करें, तो चलो फिर तुसी आ जाना है? अगली बार तुसी आ जाना। कोई नहीं, देखा अगली बार तू ही आ जाए, सारे मिल जानी है। पहला दसो सवेरे उठते किन्ने बजे? मैं 3 बजे उठती हूँ सुबह, फिर नहा के आधा घंटा लग जाता है नहाने के लिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा पाठ करती हूँ, फिर मेरी फ्रेंड आती है, हम 4 बजे से गुरुद्वारे जाते हैं, फिर उसके बाद पाठ को आके 5:30-6 बजे मैं घर आती हूँ, उसके बाद चाय पीते हैं ते घर के काम शुरू। फिर उसके बाद सोई में काम करते हैं। हमारा ये है रोज रूटीन का काम। बेटी भी मेरी बहुत अच्छी है, जो आती है तो खुशी होती है, जो जाती है उस मुझे रोना आता है। अभी तो बच्चे चिढ़ाएंगे, दादी नानी को भी सुर लाएंगे। हर बार गाना लगा देते। मेरी मार भी बहुत काटे थे आउंदी है ना। ये पूरा सामान मेरा है, थोड़े से कपड़े भी सूख रहे हैं और ये पूरा भी बिखरा हुआ है, सामान हो गए ज्यादा है, तो अब देखते हैं कैसे पैक करें इसका। चलो पैकिंग कर। आज ये रूहानी बेबी ने सोना सोना तैयार की हुआ है। रूहानी की स्कूल बार भी पार्टी है, रूहानी बार भी बनी है। तो मेकअप नहीं करीदा पुत, वो तो देर है, मेरा मेकअप करो। ये अपने आप को देख रही है शीशे में, कैसी लग रही हूँ? तो जी वी आर रेडी टू गो, सामान रख रहे हैं। चलो चलिए मम्मी, चलो चलो चलो, जाओ जाओ, जाना ही अपने घर। आवे कन्ने आ तो रोजी दिखा। हां क्यों क्यों अपने घर रोना थोड़ी है, अपने घर जाना कुड़ी ने, सो के जाओ, रोना के खिलाफ रोज रोजी थले बैठी। हाँ दिख नहीं रहा है, तो के जाओ भाई, दिखा रहे हाँ शक्ल तो दिखा रहे। हाँ जी हाँ जी, हाँ ना बेटी अपने घर में खुश रही। हाँ अच्छा हाँ, है हाँ, बहुत अच्छी है हाँ ना, ऐसी हमारी कोई रखे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस, अभी आप आ जाना। आवांगे आवांगे। Thank you.
ओके जी, तो फाइनली वी रीच हैदराबाद और इट्स 8:30 मॉर्निंग। हम लोग 10:30 नहीं 11 o'clock घर से निकले थे और इट्स 8:30, तो ऑलमोस्ट घर अभी घर पहुंचना है, घर मॉर्निंग में 1 घंटा लग जाएगा। सो ऑलमोस्ट 10 hours लग गए। इसी वजह से ना हमेशा डायरेक्ट फ्लाइट लेती हूँ मैं, इस बार मिली नहीं डायरेक्ट फ्लाइट तो इतना टाइम लग गया। डायरेक्ट फ्लाइट लो तो भी 4-5 घंटे में पहुँच जाते हैं घर पर। तो चलो बाकी का क्या क्या लेके आई हूँ मैं वहाँ से पंजाब से वो आपको घर पे जाके दिखाऊंगी, ठीक है। तो जी इतने दिनों से घर जो है वो बंद था, तो पूरी साफ़ सफाई करने वाली थी और कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है तो उसके लिए भी तैयारी करनी थी। तो आज का पूरा दिन जो है वो मेरा सफाइयों में निकलने वाला है। तो विक्रम यहाँ मेरी हेल्प कर रहे हैं कर्टन्स वगैरह लगाने में, और यहाँ पर कपड़ों का ढेर लगा हुआ है और जो क्लीनिंग करके चादरें वगैरह उतारी है वो भी अलग से धोनी है। तो ये तो 3-4 दिन लगेंगे, इतनी आसानी से नहीं होगा। तो खाना बनाया बहुत दिनों के बाद, मायके गए तो खाना जो है बना बनाया मिल जाता है, घर में तो खुद ही बनाना पड़ता है ना। तो खाना वाना सब बना के रेडी, तो चलिए दिखाती हूँ मैं कौन सा खजाना लेके आई हूँ पंजाब से। खजाना वजाना कुछ नहीं, सिर्फ खाने पीने का ही सामान लेके आती हूँ मैं या फिर कपड़े, है ना। तो खाने पीने का सामान दिखा देती हूँ। ये है जैगरी गुड़। आपने अगर मेरी वो वीडियो देखी होगी ना, सारे ब्लॉग्स देखे होंगे चंडीगढ़ वाले, तो लास्ट जो वीडियो है वहाँ पर वो लाइव जैगरी ऑर्गेनिक बना रहे थे गुड़ लाइव, तो ये वहाँ से लिया था। तो यहाँ अच्छा ऑर्गेनिक गुड़ है ना, तो इसका टेस्ट ही अलग होता है, मिलता है यहाँ पे भी लेकिन इसका टेस्ट अलग होता है। तो ये लेके आई हूँ मैं, और एक ये चिक्की, चिक्की तो खत्म होने वाली हो गई है ना। ये भी अलग डिफरेंट टाइप की होती है, यहाँ पर नहीं मिलती है, ये भी पंजाब में ज़्यादा, मतलब पता नहीं है, तो हमारे टेस्ट बड्स ऐसे हैं कि हमें वहाँ की बनाई हुई अच्छी लगती है चीज़ें, मिल तो यहाँ पर भी जाता है सारा कुछ। और एक स्पेशल चीज़ ये है पकौड़े, पता है आपको, किसी को पता होगा तो बताना, किसी ने बनाया है कभी। ये है पकौड़े, इसकी बनती है सब्जी, तो इसे मैंने सब्जी में रख दिया था इसीलिए ये पैकेट से है। तो ये इसकी सब्जी बनती है बहुत अच्छी, आलू और पकौड़े की, कभी बनाऊंगी तो रेसिपी डालूंगी आपको, ठीक है जी। तो बस यही सब चीज़ें, बाकी कपड़े वपड़े थे वो तो आपको मैंने शॉपिंग में दिखाई दी, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो इतना ही आज की वीडियो में। सो आई होप कि आपको सारी वीडियोस जो है वो अच्छी लगी होंगी, तो उन्हें लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा, और अगर अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।